नमस्ते, मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए नया साल 2023 कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में 2023 एक बड़ा अच्छा वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम शनि की ढैया समाप्त होने से आपको जो मानसिक तनाव हो रहा था उससे आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और आप जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा और भाग्य की प्रबलता हर मुश्किल को आसान बना देगी। साथ ही रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। ये वर्ष कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ एक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वह क्षेत्र भी आपकी समझदारी से सुधर सकते हैं। मिथुन 2023 करियर राशि फल के अनुसार इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को जनवरी के बाद से अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति बनेगी। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के दशम भाव में वर्ष की शुरुआत होने से करियर में स्थिति अच्छी तो रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि होने की वजह से आपके करियर में उतार चढ़ाव रहेंगे और नौकरी को लेकर काफी आप अपोह स्थिति में रहेंगे। 17 जनवरी को शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद से आपके लिए समय अच्छा होने लगेगा, लेकिन ये समय एक बदलाव को भी दर्शा रहा है। यदि आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस समय में आपका तबादला हो सकता है और आपकी मनचाही जगह आपका नौकरी जो है लग सकती है। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए ये वर्ष अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। शनिदेव जी का 17 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में जाना भाग्य की बढ़ोतरी देगा, जिससे रुकी हुई योजनाओं में फिर से जान पड़ जाएगी और आपके जो प्रोजेक्ट कहीं रुके हुए थे वे भी पूरे होने चालू हो जाएंगे। इसकी बदौलत आपको अपने व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। मिथुन पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव और दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगा। एक दूसरे के प्रति जो तनाव की भावना थी वो कम होगी और परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे और घर में खुशहाली आएगी। मिथुन राशि धन और लाभ राशिफल 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो राहु महाराज की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने के शुरुआत से ही आपको आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये बढ़ोतरी दिन पर दिन होती रहेगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही शनि का अष्टम भाव में विराजमान होना और मंगल महाराज का वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में होना आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाएगा, धन आने के योग बनाएगा और खर्चों में बढ़ोतरी देगा। इसके बाद शनिदेव जब आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, बृहस्पति दशम और एकादश भाव पर प्रभाव तथा मंगल का आपके तीसरे भाव में जुलाई में जाना जुलाई से अगस्त के दौरान उत्तम धन लाभ के योग आपको मिलेंगे। फिर बृहस्पति महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और जब 30 अक्टूबर को राहु महाराज एकादश भाव को छोड़कर दशम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले एकादश भाव में रहेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही उत्तम अवस्था होगी, क्योंकि उस दौरान किए गए छोटे से प्रयास भी आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे और आपको धन लाभ भी दिला सकते हैं। मिथुन स्वास्थ्य राशिफल 2023 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान होना, शनि देव का अष्टम भाव, सूर्य देव के सप्तम और मंगल के द्वादश भाव में होने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं वर्ष की शुरुआत से आपको परेशान करेंगी। इस पूरे वर्ष राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको उदर रोग होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके लिए आपको सदैव ही संजीदा रहना होगा और अच्छा आपको खाने पीने की मैं सलाह दूंगी। मैं आपको ये भी कहूंगी कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको परेशानियां महसूस होने लगेंगी और आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। 2023 को लाभकारी बनाने के लिए मिथुन राशि वाले करें ये खास उपाय।
प्रत्येक बुधवार को गौ माता को आप हरा पालक, हरा चारा या फिर हरी सब्जियां खिलाएं और नहीं तो साबुत मूंग खिलाएं। आशा है आपको ये जानकारी काम आएगी। साल 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साल 2023 कर्क राशि के जातकों के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरोट रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।